तो तेरी बहन को पता नहीं है क्या? हम लोग निकले हैं अभी आइसक्रीम लेने के लिए, तो सैया जी की जो फेवरेट दुकान है वहाँ से ही खरीदे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। अभी बज रहे 9:15 हो रही है, यानी कि 9:15 बज रहे हैं। हमारा नाश्ता हो गया है और ये लोग दुकान जाने के लिए तैयार है। अभी दो भाई जाएंगे तो उसके बाद हम बचा हुआ काम करेंगे। और ये रही मेरी बहन। ये रही मेरी बहन जो थोड़ी बहुत भाई की तरह होती जा रही है अभी दिन प्रतिदिन। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हमारा सारा का सारा काम हो गया है। सारा। अब सिर्फ खाना बाकी है। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और खाना खाएंगे, इतना ही बाकी। बाकी सारा काम हो गया है और हम दोनों बहनें सारा काम खत्म करके लेटी हुई है। कुछ काम नहीं है। देखो ये जिंकल पड़ी है, फोन देख रही है अपना, सबका स्टेटस देख रही हूँ। दया पर के सब लोग मैं मिस कर रही हूँ, सबको देख रही हूँ। जिसका नंबर देखा है इसको ना दया पर का हो तो इसको दबा के मैं देख रही हूँ। क्या कर रहे कितना इंजॉय कर रहे, सब कुछ ये देख रही है। दो बहने ये आखो दिवस इसकी बातें करते हैं। मम इसका कहने का यही मतलब है कि हम दोनों बहने पूरा दिन यही बात करते हैं कि दया पर में क्या चल रहा होगा, अभी क्या फंक्शन होगा, क्या होगा, सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, वही बातें चल रही है। और बीच बीच में कभी कभार फोन भी कर लेते हैं सबसे कि क्या कर रहे हो, मजा आ रहा है करके। और रोज का यही हो गया है कि काम खत्म करके पहले हम व्हाट्सएप के स्टेटस इतना नहीं देखते थे, अभी 3 दिन से तो इतना व्हाट्सएप के स्टेटस, हर एक स्टेटस चेक कर रहे हैं कि दया पर का कोई व्हाट्सएप स्टेटस हो या इंस्टा स्टोरी हो तो हम जरूर चेक करते हैं कि लोगों ने क्या किया है, कैसे फोटो क्लिक किए, क्या क्या किया, वो जरूर देखते हैं। फिर अब सारे स्टेटस देख लिए हैं तो अब क्या करेंगे पता नहीं। मैं सोच रही हूँ पुस्तक वगैरह पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से पुस्तक को हाथ तक नहीं लगाया मैंने, तो सोच रही हूँ वो कर लेती हूँ। अभी दोपहर के 1:15 हो रही है, जिंकल का डांस चल रहा है क्योंकि सामने गोगा बापा का वो कुछ फंक्शन है तो वहाँ पर म्यूजिक बज रहा है लाउडली और जिंकल उसी म्यूजिक में यहाँ पर डांस कर रही थी। और सैया जी हमारे जा रहे हैं, भाभीया जी आपके लिए, छोटे बच्चों को जैसे माँ चॉकलेट देती है उसी तरह समय चॉकलेट देते हैं ना, इसी तरह ये मेरी माँ बन के मेरे को ये चॉकलेट है। एक से चॉकलेट, एक से काम दे रही, काम कर रही। नहीं चॉकलेट दी, ये टिफिन दिया और ये पानी का बोतल। सच्चे में जैसे बच्चे को भेजती है माँ वैसे। सोचा पता नहीं ये क्या हुआ, दोनों बहनों देखो पानी से खेल रहे। क्या हुआ, पानी क्यों डाले तेरे पे? तुम्हारी माँ ही ना। माँ तो कहीं करी हो सके? अरे मैं ऐसे जो रही थी भाई, तो मैंने कुछ नहीं किया था ऐसे तेरे। एक कौन सा वाला पानी, वो बर्तन धोए ना वो पानी डाला तेरे। तो तेरी बहन को पता नहीं है क्या? देखो ऐसा ही करती है। ये देखो ये क्या किया आपने, अच्छा नहीं किया। कितना जुखाम है, दो निकल रहा है अभी भी, गीली कर रहा है मेरे नाक से। क्यों भिगाया क्यों इसको? अभी मुझे जुकाम नहीं होगा, बीमार नहीं होगा मैं, जब तब कुछ नहीं बोलेगी आप, है ना? ऐसे ही पलट दिए मेरे को, दोनों पागल है। देखो नखरे करते थे दोनों। तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैं काम कर रही थी ना मैं। तो है ना मुक जाओ, ए तैयार कपड़ा बदल जा, कपड़े बदल जा, छोड़ो उसको। छोड़ दो, क्या अभी उसको पलट दिया। वो देखो अब क्या होली खेल रही है, दोपहर तो सब सो गए और आपको होली खेलनी है। ये देख जल्दी कपड़े बदलो, चल तेरे को जुकाम हो गया पता।
आपने जो किया वो सही था, लेकिन अभी है ना वो करना सही नहीं था, उसको जुकाम है, आपको पता है ना। तूने मुझे कहा था? वो कहा था, वो कब कहा था कि ये गाड़ी गाड़ी ये गाड़ी धोते हैं तब करना था। तूने मुझे कहा था डोसी आप अगर गाड़ी धो ना तो आप जिंकल पर ये मस्ती करना आप, तो फिर मैंने कर दिया। अभी अभी टाइम था, अभी क्या ये भी गाड़ी धो रही थी। आप तो पागल ही हो जाए, खुद भी भीगे उसको भिगा दिया, कहाँ गई का? अभी वो चेंज करने गई है, छोड़ उसे, वहाँ क्या कैमरा लेके जा रहा है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अभी कपड़े चेंज करूँगी, क्या करूँ मैं। हाँ तो जल्दी चेंज कर, ढाई बजने आया, मेरे को भी सोना नहीं रहा, दोनों बच्चों की तरह करते जैसा पूरा। चेंज कर फटाफट जल्दी। पर ये बुढ़िया होगी, लेकिन इसको भी अक्ल नहीं है थोड़ा भी, पता है उसको दो दिन से जुकाम है तो भी पता है। क्या करे? खुद कल सो ही पड़ी थी खूंखी, और पता है कर रही है। चलो मैं सो जाता हूँ अब, ठीक है? ठीक है, सो जाओ। हम लोग वापस आ गए घर पे और खाना भी खा लिया, आज बनाया था खिचड़ी और चाय और रोटी और तले हुए या फ्राई किए हुए मिर्च, तड़का लगाए हुए मिर्ची। तो ये लोग बर्तन घिस रहे अभी, ये जिंकल टाइम पास कर रही है, देखो जिंकल टाइम पास कर रही है, और दोस्ती में हमारी बर्तन घिसेगी अब, आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है? बर्तन घिस लो अभी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो हम पहले रेगुलर जो हफ्ते में एक बार करते थे ना, वो ड्यूटी आज एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि कि बहुत टाइम हो गया। चलो तो आपको बता ही देता हूँ, आज हम बाजार जाएंगे वैसे ही ऐसे ही आइसक्रीम खाने। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइसक्रीम आज बहुत दिन हो गए, गए नहीं है कहाँ, सही बात है। तो चलो आपको व्लॉग में भी बोरिंग हो रहे होंगे कि घर के ही सब आ रहा है, तो चलो आज बाहर जाएंगे आपको बताएंगे, ठीक है? चलो जाते हैं बाहर। चलो हम घर से निकल गए हैं और पायल आगर है, हम पीछे है। देखो तरस को आज मन है आइसक्रीम खाने का, तो बाहर लेके जा रहे हैं हमको। हम लोग यहाँ पर उतरे हैं, तो अभी फ्रूट की लारी दिखाई दे रही है, तो हम देखने जा रहे हैं क्या क्या फ्रूट है। मेरे को ऐसा लगा कि ड्रैगन फ्रूट होगा तो मैं देखने के लिए आई थी, नहीं है। मेरे को इतनी इच्छा है ड्रैगन फ्रूट की, नहीं है इधर। सही बात है, मेरे को ड्रैगन फ्रूट खाने की इतनी इच्छा है पर है नहीं, नहीं है। ड्रैगन फ्रूट का बहुत ही शौक चढ़ा है अभी, और खाने को नहीं मिल रहा है। मैं जब कच्छ में गई थी ना, तब वहाँ पर ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट थे, पर ऐसे जैसे तैसे करके मुझे पता नहीं क्या हुआ कि खरीदना ही नहीं हुआ, मेरे नसीब में ही नहीं, मेरे मुंह को नहीं लगा, हाथ को आया पर मुंह को नहीं लगा, वो वाला सीन हो गया था कच्छ में जब गई थी तब। हाँ पर दिशा में मिलना मुश्किल है, और वो भी पिंक वाला अगर ड्रैगन फ्रूट मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट वाला ही मिलता है। लोगों ने खबर नहीं आ गया करे पिंक वाला होए छे। मैं एक दिन शॉप पर गई थी पूछने के लिए कि यह पिंक वाला आपके पास ड्रैगन फ्रूट है, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि पिंक वाला भी आता है, आता है। वो तो मुझे उल्टा ये कहने लगे पिंक नहीं आता है मैम, इसमें तो व्हाइट और ब्लैक ही होता है, व्हाइट अंदर वो पल्प होता है और ब्लैक कलर की शीट्स होती है, पता नहीं उन्हें, उनको तो ये भी पता नहीं पिंक वाला आता है। और अभी हम आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं, और ये दोनों भाई देखने गए हैं कि कौन कौन सी शॉप खुली है। हाँ उसके दोस्त के पास गए, हाँ अभी उसके फ्रेंड से मिलने गए हैं। ये हमारी दिशा की मार्केट है जो आधी बंद हो चुकी है, अभी रात के 10 ही बजे होंगे, सब लोग समेट रहे हैं अपनी दुकानें, अभी रात के सिर्फ 10 ही बजे होंगे पर सब लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं।
दस ही बज रहे हैं। सही बात है, हमारे दिशा ऐसी जगह है जहाँ पर रात को अगर आपको खाने की कुछ इच्छा हो तो आपके घर के अलावा कोई जगह नहीं होगी। रात के 11 या 12 बजे खाने के लिए कोई नहीं। हम लोग निकले हैं अभी आइसक्रीम लेने के लिए, तो सैया जी की जो फेवरेट दुकान है वहाँ से ही खरीदेंगे। हम लोगों ने आइसक्रीम ले ली है। सैया जी दिखाओ तो सही आइसक्रीम अपनी। ये रही आइसक्रीम जो हमने ले ली है, और दुकान वाले अंकल ने मुझे ये फरसी पूड़ी टेस्ट करने के लिए दिए जो बहुत ही टेस्टी है, एक नंबर है। और हमने ये आइसक्रीम अभी लेके हम जा रहे हैं वापस घर। घर जाके खाने का रीज़न यही है कि यहाँ पर सब लोग अपनी शॉप को बंद कर रहे हैं, सबको जल्दी ये दुकान बंद करने की, तो अगर हम बैठ के खाएंगे तो उनको और लेट होगा और हमें जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि चलो घर जाके ही खाएंगे। मैंने अपने लिए पेस्ट्री खरीदे हैं जो अभी मैं लेके आई हूँ। ये सब लोग मारामारी खाएंगे और मैं मारामारी ये आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी, तो मैं अपने लिए पेस्ट्री लेके आई हूँ। मैं आइसक्रीम और मारामारी चीज़ें नहीं खा सकती क्योंकि मेरे दांत बहुत ही सेंसिटिव है, दांतों में झंझनाहट सी हो जाती है तो मैं कुछ नहीं खा पाती, इसलिए मैं अभी पेस्ट्री लेके आई हूँ। मजा आ जाएगा। चलो अब हम निकलते हैं। तरे से जिंकल बैठ रहे हैं। हम तो जा रहे थे अभी तो रिचार्ज हम खाने खा ले। अभी हमें रास्ते में दोसल का एक फ्रेंड बोलो या हमारा यूट्यूब का सब्सक्राइबर बोलो वो अभी मिला और कहा कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे वगैरह करके बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अच्छा है, हमको दूसरा शहर में भी मिल रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर। हाँ, हमारे शहर में हमारे सब्सक्राइबर हो उससे बड़ी बात क्या होगी। चलो तो अब सैया जी हमारा वेट कर रहे हो, चलो बैठ जाओ। तो बैठ जाते हैं और क्या कर सकते हैं अब। चलो हम तो घर पहुंचने वाले हैं, हमारा घर आने ही वाला है, तो अभी हम घर जाके मारामारी खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे। और अभी बाबा का फोन आया था कि वो लोग भी निकल गए हैं, तो कल आपको कल के लोग में आपको मम्मी पापा छूटे। अभी मम्मी पापा नडिया से निकल गए, अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी वो बस में बैठे हैं, तो सुबह ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे आ जाएंगे। तो फिर कल से आपको वापस से मम्मी और पापा भी हमारे व्लॉग में दिखेंगे। तो अभी हम लोग सोसाइटी के गेट पर पहुँच गए हैं, हम पहुँचने ही वाले घर पर। घर पर आ गए हैं हम लोग। आ गए हैं, ये तीनों की मारामारी है। ये हमारी दिशा की फेमस है, गली पच्ची कहते हैं और मारामारी कहते हैं। पहले इसका नाम मारामारी था, अब गली पच्ची कर दी है। इसके ऊपर आइसक्रीम होती है और नीचे दही होता है। स्वीट लस्सी होती है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई भैया। और ये मेरी पेस्ट्री है। तो चलो आज के व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। हम मिलेंगे कल वापस आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।